हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूं। और फिर आपके डिमांड पे जो वीडियोस की सीरीज में स्टार्ट किया हूं ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट का यूपी ट्रिपल एससी वाला, उस पे मेरे दो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। एक वीडियो सब्सिडरी बुक्स का और एक वीडियो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस का। आज मैं उसके नेक्स्ट वीडियोस पे आ रहा हूं और वह वीडियो है जर्नल, जहां से अकाउंटिंग का श्री गणसाय होता है, जहां से अकाउंटिंग का शुरुआत होता है, जो फर्स्ट बुक माना जाता है डबल एंट्री सिस्टम का। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आज हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस की बुक्स पे काम करने जा रहे हैं। जिस बुक्स में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है वह बुक या तो जर्नल है या तो सब्सिडरी बुक्स है। जर्नल पे तो हम लोग काम कर चुके हैं, लेकिन सब्सिडरी बुक्स पे हम लोग काम कर चुके हैं, आज हम लोग जर्नल पे काम करेंगे। यानी रिकॉर्डिंग कहां होती है, जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में। जर्नल में कब रिकॉर्डिंग होती है, जब बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, कम होते हैं। और कब सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग होती है, जब बिजनेस में ट्रांजेक्शंस सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप माइंड किए होंगे जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या आता है, रिकॉर्डिंग, फिर क्या आता है, क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग और फिर रिजल्ट्स। ये अकाउंटिंग स्टेप्स है। और ये रिकॉर्डिंग का हम लोग कहां करेंगे, जर्नल या कहां पे, सब्सिडरी बुक्स, जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में करेंगे। फिर क्लासिफाइंग का काम हम लोग कहां करेंगे, लेजर। फिर समराइजिंग हम लोग कहां करेंगे, ट्रायल बैलेंस। और फिर रिजल्ट्स का काम, फाइनल अकाउंट्स या सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही आपका अकाउंटिंग का ए टू जेड है, जिस पे हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं। ये अकाउंटिंग का पूरा ए टू जेड है। अब क्या है, हम लोग आज कहां हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पे। रिकॉर्डिंग कहां करेंगे, जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में। यानी कि अकाउंटिंग की शुरुआत जर्नल या सब्सिडरी बुक से होगा। अकाउंटिंग या तो जो पहला स्टेप जो अकाउंटिंग में है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, वो रिकॉर्डिंग सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग, डबल इंट्री सिस्टम रिकॉर्डिंग, या तो जर्नल में होगा या सब्सिडरी बुक्स में होगा। अगर लेन देनों की संख्या ज्यादा है तो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग की जाएगी, नहीं तो जर्नल पर रिकॉर्डिंग होगी। सब्सिडरी बुक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक और जर्नल प्रॉपर्स की बात हो चुकी है। यानी आज हमारा टॉपिक है जर्नल। जर्नल इज अ बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट एंट्री बुक भी कहा जाता है इसको, और अकाउंटिंग का ओरिजिनल बुक्स भी कहा जाता है, प्राइमरी बुक्स भी कहा जाता है। सबसे पहले बिजनेस के लेन देनों को जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड्स किया जाता है। इसी सीक्वेंस से हम आगे बढ़ेंगे, फिर लेजर पे आएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस पे आएंगे और फिर फाइनल अकाउंट्स पे आएंगे। आइए देखते हैं कि क्या है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या है आपका टॉपिक, जो बात हुई है वो किस चीज से रिलेटेड है। देखिए ये ऑडिटर्स और असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपी ट्रिपल एससी का है ये। और हम लोग आज कहां पे हैं, जर्नल, यानी कि जर्नल की बात हो रही। हिंदी में इसको हम लोग रोज नामचा कहते हैं। रोज नामचा यानी वह पुस्तक जिसमें डेली लेख लिखा जाएगा वो रोज नामचा होगा। अब आइए मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। जर्नल क्या, मैं आपको बता ही चुका हूं, जर्नल इज फर्स्ट बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, बुक इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इज कॉल्ड जर्नल। वह पुस्तक जिसमें बिजनेस के लेन देनों को हम लोग सबसे पहली बार लिखते हैं, उस पुस्तक को हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। और ये यहां इसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में लिखते हैं। आइए जरा शुरू करते हैं कि जर्नल की स्टोरी क्या है, तब बात करते हैं। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो ओरिजिनल जो प्रारंभिक लेखक की पुस्तकें है ना, जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच
बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड सीरियल वाइज। यानी जर्नल वह बुक्स है, प्रारंभिक लेखक की वह पुस्तक है जिसमें बिजनेस के लेन देन तिथिवार और कर्मानुसार लिखे जाते हैं। एक क्वेश्चन और भी है, द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर इंटर्ड सिस्टमेटिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज जर्नल। यानी वह पुस्तक जिसमें बिजनेस के लेन देनों को सिस्टमेटिक तरह से सबसे पहली बार लिखा जाता है, उस पुस्तक को हम लोग क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं। आई थिंक जर्नल क्या है पता हो गया। जर्नल इज फर्स्ट बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, फर्स्ट इट्स ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट एंट्री बुक। बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड इन जर्नल एज पर डबल एंट्री सिस्टम और सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने जर्नल को डिफाइन करने की कोशिश की है। आइए नेक्स्ट पेज पे, वही हिंदी है, रोजनामचा प्रारंभिक लेखक की पुस्तक है जिसमें व्यापारिक लेन देनों को तिथिवार और कर्मवार लिखा जाता है। वह पुस्तक जिसमें सभी व्यापारिक लेन देनों को पहली बार व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है उसे रोजनामचा कहते हैं, जर्नल कहते हैं। अब कहां आ गया हम लोग, फंक्शन ऑफ जर्नल। रोजनामचा के फंक्शंस क्या है, यानी जर्नल कर रहे हैं ये क्या क्या कार्य है इसका, आइए उसके फंक्शंस पे आते हैं। फर्स्ट वन इज एनालिटिकल फंक्शन, इसको एनालाइज फंक्शन भी कह सकते हैं। पता है जब हम जर्नल में लेन देनों को लिखते हैं ना, तो जर्नल में लेन देनों को लिखना आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत से स्टेप्स होते हैं। जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के पहले तीन चीजें हमें जाननी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल्स जानना चाहिए। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? अकाउंटिंग का वर्ल्ड वाइड सबसे पॉपुलर सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम है, दोहरा लेखा प्रणाली। इस सिस्टम को 1494 में इटली में लुकास पासोली ने खोजा था। यानी अकाउंटिंग का हिस्ट्री 500 साल से ज्यादा का है, ठीक है। और डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम सारा बुक्स मेंटेन करते हैं। यानी हम लोग जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो अकाउंटिंग किस सिस्टम के ऊपर बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम। और ये सिस्टम क्या कहता है? प्रत्येक लेन देन के दो पहलू होते हैं, उनमें से एक डेबिट और एक क्रेडिट। यानी एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। प्रत्येक व्यवसायिक लेन देनों के दो पहलू होते हैं, उनमें से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। जो ये पढ़ रहे फंक्शन आपने एनालिटिकल फंक्शन, इसका मतलब यही है, सबसे पहले हम बिजनेस के लेन देनों को लेंगे, उनमें से दो एस्पेक्ट खोजेंगे। जैसे मशीनरी परचेज इन कैश, इसमें एक मशीनरी और एक कैश, दो एस्पेक्ट हो गया, इन्हीं में से एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। गुड्स सोल्ड टू रमेश, एक गुड्स एक रमेश, इन्हीं में से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट। तो प्रत्येक लेन देन से कितने खाते प्रभावित होते हैं? दो, उन्हीं में से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले हमें यहां पर एनालिसिस करना है कि प्रत्येक लेन देन से हमें दो पहलू खोजना है, दो एस्पेक्ट खोजना है। सबसे पहले हम हर बिजनेस ट्रांजेक्शन से दो एस्पेक्ट खोजेंगे। जैसे मैंने कहा मशीनरी परचेज इन कैश रुपीज 1 लाख, तो एक मशीनरी और एक कैश हो गया। फिर इनमें से कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा ये हमें डिसाइड करना है। यानी जर्नल को रिकॉर्ड्स करना है तो दो पहलू कौन से होंगे, क्यों होंगे, उनमें से कौन सा पहलू डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, क्यों डेबिट होगा और क्यों क्रिएट होगा, ये सब हम एनालिसिस यहां पे करेंगे। यानी रिकॉर्डिंग करने से पहले सबसे पहले हमें डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्डिंग, हर लेन देन के दो पहलू खोजने होंगे, दो एस्पेक्ट, और उन दो एस्पेक्ट में से हमें एक को डेबिट डिसाइड करना होगा और एक को क्रिएट। कैसे डिसाइड होता है? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट इज रिसीवर, क्रेडिट इज गिवर, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? जो कुछ बिजनेस में आएगा गुड संपत्ति डेबिट, जो कुछ बिजनेस से जाएगा गुड संपत्ति क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट रूल क्या है? एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम गेन्स क्रेडिट। सबसे पहले हमें हर लेन देन के दो पहलू खोजने होंगे, उन दो पहलुओं को गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पर्सनल रियल नॉमिनल से देखना होगा क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। तो ये है हमारा पहला एनालिटिकल फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है? रिकॉर्डिंग फंक्शन।
एनालिटिकल फंक्शन में हम ये डिसाइड करते हैं कि हर लेनदेन के दो पहलू कौन से हैं, कौन से डेबिट है और कौन सा क्रेडिट, और उनको ला करके बुक्स में क्या करना होगा, सिस्टमेटिकली बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। यानी जर्नल का दूसरा काम एनालिसिस करने के बाद, दो पहलू खोजने के बाद, उन दो पहलुओं में एक डेबिट और क्रेडिट पता करने के बाद उनको बुक्स में सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड्स किया जाएगा, और जिस बुक्स में रिकॉर्ड्स किया जाएगा वो जर्नल होगा, और रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम लोग जर्नलाइजिंग कहते हैं। ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम लोग जर्नलाइजिंग कहते हैं। ठीक, तो यहां पे क्या किया जाएगा, हर लेनदेन के दो पहलू खोज के उसमें से डेबिट के डिसाइड करके उनको प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड्स किया जाएगा, और रिकॉर्डिंग सीरियल में होगा, डेट वाइज होगा, ट्रांजैक्शंस जब हुआ है तब रिकॉर्ड्स करेंगे। ठीक है, थर्ड वन क्या है, हिस्टोरिकल फंक्शन। जर्नल ही सबका बेस है, जर्नल से लेजर होगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस होगा, और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनेगा। देखिए आप पढ़े ना क्या क्या, जर्नल से लेजर, ठीक है, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। ये देखिए यही तो पूरा अकाउंटिंग स्टेप्स है। तो कौन सबसे बेस में है, जर्नल। जर्नल पूरी हिस्ट्री बताता है, किस डेट को कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है, उसमें क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है, कितने से डेबिट है, कितने से क्रेडिट्स है। आप और किसी भी डेट के ट्रांजेक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी डेट के ट्रांजेक्शन में क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है जानना चाहते हैं, कितने से डेबिट है, कितने से क्रेडिट है, तो आप जाएंगे और देखिए इस ये हिस्टोरिकल फंक्शन काम करता है। कभी भी आप जर्नल से लेजर को ट्रेस कर सकते हैं, जर्नल से ट्रायल बैलेंस को ट्रेस कर सकते हैं, जर्नल से फाइनल अकाउंट्स को ट्रेस कर सकते हैं। तो ये हिस्टोरिकल फंक्शन है। फोर्थ वन, सोशल फंक्शन, सामाजिक कार्य। ये क्या है, जर्नल जो बुक है ना, उस बुक को एविडेंस की तरह कोर्ट में माना जाता है, यानी कोर्ट में जर्नल को एक्सेप्ट किया जाता है एज ए एविडेंस। अगर व्यापारियों में किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट है, कोई मैटर कोर्ट में गया, तो कोर्ट जर्नल की बुक्स मंगा के उसको वेरीफाई करता है, यानी कोर्ट जर्नल को एज ए एविडेंस की तरह मानता है। तो वो सामाजिक फंक्शन में आता है। ये हम लोग के जर्नल के चार फंक्शंस हैं, एनालिटिकल फंक्शन, रिकॉर्डिंग फंक्शन, ठीक है ना, उसके बाद आपका हिस्टोरिकल फंक्शन, और फिर सोशल फंक्शन। आइए अब आते हैं हम लोग कहां पे, देखिए ये क्या है, इस बार है फीचर्स ऑफ जर्नल, जर्नल की विशेषताएं, यानी जर्नल की मुख्य बातें क्या हैं, जरा उसको भी देखा जाए। बहुत सिंपल है, पहला क्या है, आइए देखते हैं कि ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्रोनिकल ऑर्डर इन द जर्नल, इट इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। यानी वह पुस्तक जिसमें बिजनेस के लेन देन तिथि वार क्रमानुसार पहली बार लिखे जाते हैं, उन बुक्स को हम जर्नल कहते हैं, इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री भी कहा जाता है। हिंदी में आइए, सही व्यवसायिक लेन देन को सबसे पहले जर्नल में तिथि क्रमानुसार क्रम में लिखा जाता है, इस प्रकार इसे मूल प्रविष्टि की पुस्तक या प्रमुख प्रविष्टि की पुस्तक भी कहा जाता है। सेकेंड क्या है, इट्स रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, That is debit and credit based on rules of double entry system. बताया ना, हर लेन देन को दो aspects में बांटना होगा, और उन दोनों aspects में एक को debit और एक को credit करना होगा। ये दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों के आधार पर प्रत्येक लेन देन के दोनों पहलुओं को यानी debit और credit में records करता है। All the transactions of the business entity are recorded in journal in daily basis. जिस दिन जो लेन देन हुआ है उस दिन उसको बुक्स में क्या करना है, जर्नल में रिकॉर्ड करना है। जर्नल को डेली रिकॉर्डिंग बुक्स में कहा जाता है, प्रतिदिन जर्नल में लेखे किए जाता है। अगर लेन देन हुए हैं तो पर डे जर्नल में रिकॉर्ड्स किए जाएं। व्यवसायिक इकाई के सभी लेन देनों को दैनिक आधार पर रोजनामचा में लिखा जाता है। जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन टेक प्लेस फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनलिटी। जर्नल वह बुक है जिसमें बिजनेस के लेन देन सबसे पहली बार रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसीलिए इसे प्रारंभिक लेखी पुस्तिका कहा जाता है। ठीक है, आई फिफ्थ क्या है, अ जर्नल इज ओनली अ बुक ऑफ प्राइमरी एंटिटी एंट्री, ऑल द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर टू लेजर विच इज द प्रिंसिपल्स बुक ऑफ अकाउंट। यानी जर्नल के बाद लेजर होता है, जर्नल में जो आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो उसको लेजर में ट्रांसफर करेंगे, लेजर जो सबसे मेन बुक्स अकाउंट्स का माना जाता है। एक रोजनामचा केवल प्राथमिक
मूल की प्रविष्टि एक पुस्तक है, रोनामचा में दर्ज किए गए सभी लेन देन बाद में बही खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। ये बही खाते नहीं, यहां खाता बही हो जाएगा, यहां पे खाता बही हो जाएगा, खाता बही हो जाएगा, ठीक है, खाता बही में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, जो खातों का प्रमुख पुस्तक है। आई फिर A journal is record both debit and credit aspects of transaction according to the double entry system of bookkeeping. बताऊं, bookkeeping के यानी जो double entry system है उसके उसके according जो bookkeeping जो double entry system है उसके according business के transactions को debit और credit form में क्या किया जाता है, बहियों में लिखा जाता है। रोनामचा बही खाता पद्धति की दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार लेन देनों के डेबिट और क्रेडिट दोनों पहलुओं में रिकॉर्ड्स करता है। ईच एंट्री इन जर्नल इज फॉलोड बाय ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच इज कॉल्ड नरेशन। जर्नल करने के बाद हम उस ट्रांजैक्शंस को नरेट करते हैं, उसको संक्षिप्त में लिखते हैं, जिसको नरेशन कहा जाता है, जिसको हम लोग व्याख्या कह लें, स्पष्टीकरण कर लें। यानी हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड्स करने के बाद उसको, जैसे मैं आपको दिखाऊं कैसे किया जाता है, ये मान लीजिए कि राम डेविड टू सेल्स, ये हमारी एंट्री हो गई राम डेविड टू सेल्स अकाउंट। अब इसी को हम बीइंग गुड सोल्ड, Being goods sold to Ram, ये देख रहे हैं प्रोसेस जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इट्स कॉल्ड नरेशन। यानी यह उस लेन देन जिसको हम लोग रिकॉर्ड किया है उसको स्पष्ट करता है कि जो आपने डेबिट किया है उस वो किस ट्रांजेक्शन के लिए है। तो जो हम इसको लिख रहे हैं ना, इट्स कॉल्ड नरेशन, इसको हिंदी में व्याख्या या स्पष्टीकरण कह सकते हैं। रोजनामचा प्रत्येक प्रविष्टि के बाद लेन देनों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है, इसे सारांश कहा जाता है या स्पष्टीकरण कहा जाता है। अ सिंगल जर्नल एंट्री इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मोर देन वन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग मोर देन टू अकाउंट्स, सच एन एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड। जनरली क्या होता है, हर लेन देन में एक डेबिट एक क्रेडिट होता है, सही है, लेकिन अगर एक ही डेट में एक से ज्यादा लेन देन हुए हो तो ये पॉसिबल है कि एक ही डेट में अगर कई ट्रांजैक्शन हुए हैं तो आप सबको अलग अलग लिखो। लेकिन अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट है कंपाउंड जर्नल एंट्री, मिश्रित लेखे। ये कहता है एक ही डेट पे अगर एक से ज्यादा लेन देन हुए हैं तो उनको अलग अलग न लिख के उनको एक साथ लिख दो। एक ही डेट में एक से ज्यादा लेन देनों को अलग अलग न लिख के उनको एक साथ लिखने के सिस्टम को मिश्रित जर्नल लेखे कहते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। इसमें एक से ज्यादा डेबिट एक से ज्यादा क्रेडिट हो सकता है। एक एकल रोजनामचा प्रविष्ट दो से अधिक खातों वाले एक से अधिक लेन देनों को रिकॉर्ड करने में सक्षम है, ऐसी प्रविष्ट को हम समास, ये इसको यहां पे कंपाउंड मिश्रित जर्नल लिखे कहते हैं, यहां मिश्रित जर्नल लिखे होगा। अब ये था जर्नल का थोड़ा सा बेसिक, जर्नल क्या है, उसके फंक्शन क्या है और उसके फीचर्स क्या है। अब हम लोग आएंगे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर बेस्ड है, उसकी बात करते हैं। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल इज, जर्नल बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। जर्नल फाइनेंशियल पोजीशन ही बताता है, बैलेंस शीट बताता है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस, ये पीएल अकाउंट बताता है, टू जर्नलाइज द कैश ट्रांजेक्शन, नहीं, जर्नल में हर तरह का लेन देन लिखे जाते हैं, कैश हुआ क्रेडिट से, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, यही है जर्नल वर्क, जर्नल का पर्पज है सभी लेन देनों को क्या करना, बुक्स में सबसे पहले रिकॉर्ड्स करना। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस इनकम प्रॉफिट लॉस होता है, तो इंटरेस्ट नॉमिनल है, ठीक है ना, सिर्फ इसमें इंटरेस्ट नॉमिनल है, ये अक्रूड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ये सब पर्सनल हो जाएगा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं, पर्सनल का रूल है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, आउटस्टैंडिंग रेंट जो किसी व्यक्ति को किराया देना है उसको रिप्रेजेंट करता है। पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एसेट्स लायबिलिटी, रियल होता है, एक्सपेंसेस ये नॉमिनल होता है, डेटर्स और क्रेडिटर्स, जिसको देना है जिससे लेना है वही पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट्स एसेट्स रिलेटेड होता है, रियल अकाउंट्स एसेट्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और लॉसेस रिलेटेड होता है। विच ऑफ फॉलोइंग अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, ड्रॉइंग पर्सनल है, बैंक संस्था पर्सनल है, प्रीपेड पर्सनल है।
पर्सनल अकाउंट्स क्या है? वो अकाउंट जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, दुकान, संस्था के नाम से खोला जाता है, वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो देखिए ड्रॉइंग, ओनर जो खुद अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है तो ड्रॉइंग, ये पर्सनल है। बैंक एक संस्था है, प्रीपेड रेंट, रेंट का एडवांस पेमेंट कर दिया गया किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो पर्सनल। ड्रॉइंग पर्सनल अकाउंट्स में आता है, प्रीपेड भी पर्सनल अकाउंट्स में आता है। द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कुछ बिजनेस में आएगा डेबिट, जो कुछ आएगा क्रेडिट, ये रियल अकाउंट्स का रूल है। द बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड, जो सारे हानियों और खर्चों को डेबिट, सारे आय और लाभ को क्रेडिट, ये नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है। जर्नल इज अ बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, हाँ ओरिजिनल एंट्री भी है, डेट वाइज भी है, यानी ये तीनों कहा जाता है जर्नल को। अ जर्नल एंट्री इन विच टू और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिट इज नोन, वह जर्नल एंट्री इसमें एक से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट होता है, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहा जाता है। डेबिट मीन्स, डेबिट थोड़ा सा ये टॉपिक अलग है, जब मैं ट्रायल बैलेंस पे आऊंगा तो वहां समझाऊंगा। डेबिट मीन्स इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है, इंक्रीज इन एसेट्स। क्रेडिट मीन्स इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, जर्नल में रिकॉर्ड्स करने की प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर शुड बी क्रेडिटेड यू, जो गुड्स लॉस बाई फायर होता है उसकी एंट्री क्या होती है, लॉसेस डेबिट होते हैं, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट, गुड्स है ना, टू परचेज, गुड्स जा रहा है मेरे पास, तो क्या पूछा है, देखिए आप ये एंट्री हुई लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज, पूछा है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू आपका परचेज, परचेज अकाउंट में क्रेडिट हो, ठीक है। जर्नल रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन ऑफ अ फर्म इन अ पीरियोडिकल मैनर, क्रोनोलॉजिकल मैटर, ये होगा क्रोनोलॉजिकल मैटर, क्रमानुसार तिथि वार लिखा जाता है। गुड्स वर्थ 21,000 गिवन अवे चैरिटी वुड बी क्रेडिटेड टू, गुड्स देंगे तो गुड्स जाएगा और चैरिटी दी है ना तो चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा और गुड्स जा रहा है टू परचेज होगा। क्रेडिट पूछा है ना तो सॉरी वुड बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट्स। पेमेंट 18,000 वाज एज अ वेजेस टू वर्कमैन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन शुड बी डेबिटेड, अगर वर्कर को मशीन को स्थापित करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए मजदूर दी गई तो वेजेस टू कैश नहीं, मशीनरी टू कैश, तो मशीनरी यहां डेबिट होगा, यहां डेबिट पूछा है। जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, हाँ राइट ओरिजिनल एंट्री। अ कंपाउंड जर्नल एंट्री हैज वन डिपोजिट वन क्रेडिट, गलत, मोर देन वन डेबिट आइटम, देखते हैं मोर देन वन, मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट आइटम, ये होगा एक से ज्यादा या डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। द बुक कंटेनिंग अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड जर्नल, जर्नल में ही क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अ लॉस अराइजिंग ड्यू टू फायर, कौन सा अकाउंट है लॉस, नॉमिनल अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट है। डन, ये था हम लोग का जर्नल। जर्नल क्या है, उसके फीचर्स, उसके फंक्शंस, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो को ध्यान से देखिए, कहीं आपको कोई डाउट लगता है एमसीक्यूज क्वेश्चंस में, कहीं कोई डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अभी बच्चों का जो ये ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी बहुत से बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुँच रहा है। एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि आपके जितने फ्रेंड्स इस वैकेंसी को भरे हैं तो प्लीज़ एक फेवर करिए और अपने उन सारे फ्रेंड्स को जो ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं, प्लीज़ ये वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए, वीडियो का लिंक मुझे ज़रूर भेजिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। फिर बहुत जल्दी लेज़र के नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक्स।